मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में जल्द माँ कामाख्या का मंदिर बनकर तैयार होगा। ये मंदिर असम की गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर के जैसा ही होगा। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि इस मंदिर का निर्माण किन्नर समाज द्वारा कराया जा रहा है। जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में इस मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर का भूमि पूजन किन्नर समाज से आने वाली महामंडलेश्वर हिमांगी सखी द्वारा कई किन्नरों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान हिमांगी सखी ने कहा कि मां कामाख्या का मंदिर निश्चित रूप से लोगों के कल्याण के लिए समर्पित होगा और यहां पर सभी भक्तों की मुरादें पूर्ण होंगी। मंदिर का निर्माण किन्नर माही शुक्ला द्वारा कराया जा रहा है। आज भूमि पूजन किया गया है, हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि आज भूमि पूजन हमारी बच्ची अपना मैं नाम भूल गया माही शुक्ला ने इतना अच्छा कार्य किया है और मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं, आश्रम का कार्य कर रहे हैं। हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, हमारी तरफ से तन मन धन से पूरा सहयोग हमारे इन बच्चों को रहेगा और पूरे किन्नर समाज को रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी किन्नर समाज के उत्थान के लिए जो बेड़ा उठाया है इतना बड़ा, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा तन मन धन से और मेरा आशीर्वाद है पूरे किन्नर समाज से, क्योंकि हम जीते भी हैं समाज के लिए और मरते भी समाज के लिए है। किन्नर जीती समाज के लिए है और मरती भी समाज के लिए है। इसीलिए भगवद गीता में कहा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। हमको ये देह मिला है 84 योनि के बाद, कहीं हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो चाहे हमारा ये जन्म किन्नर का क्यों ना हो, हमारा ये जीवन किन्नर जीवन क्यों ना हो, मगर हमें मनुष्य जन्म तो मिला है, तो हमारा कर्तव्य बनता है समाज के प्रति एक उदाहरण का स्तोत्र हमें बनना है जीवन में। इसी तरह से माही शुक्ला एक उदाहरण का स्तोत्र जबलपुर वासियों के लिए बनी है। आज भूमि पूजन हुआ है, आने वाले टाइम में मंदिर का भी निर्माण और आश्रम का भी निर्माण होगा और हम बहुत जल्द ओल्ड एज होम भी किन्नर समाज के लिए बनाएंगे कि वृद्ध अवस्था में किन्नर समाज के लिए एक ओल्ड एज होम भी होना चाहिए, हॉस्टल भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी इसके ऊपर बात केंद्रीय मंत्री जी से हमारी बात हुई है, मीटिंग हुई है और हम बहुत जल्द केंद्रीय किन्नर बोर्ड का गठन करने जाएंगे, उसमें मैं माही शुक्ला को स्थान दूँ। किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा माता जी? मंदिर किस तरह से बनाया जाता है जी? फिर भी मंदिर कामाख्या माता जबलपुर से माही शुक्ला 2019 मिस इंडिया थी और आज मैं भूमि पूजन करवाई हूँ माता जी को लेके, मंडलेश्वर 108 माता जी, और मैं आज कामाख्या माता शाम में है और अब यहाँ पर होगा। मुझे रात रात में सपने आते थे, मैं जिसकी गोद भरती थी तो उसका गोद भर जाती थी। कई लड़कियां पीरियड से नहीं होती, माता उन्हीं के लिए है कि उनका उतारा किया जाए। कई लोग तांत्रिक ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं और ठग जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबका उतारा भी होगा, हर चीज़ का होगा, तांत्रिकों के पास ठगने की कोई ज़रूरत नहीं। हर काम के लिए ये चमत्कारी मंदिर है, अद्भुत मंदिर है माता रानी का। उसके लिए हम लोगों ने आज इतना मेरा काम बन गया है कि मैं जानती हूँ कि मेरा माता रानी का और भी आगे काम होगा और मैं चाहती हूँ कि मैं हम लोग जैसी पब्लिक के लिए जी रहे हैं और किन्नर जीती है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक को आशीर्वाद देती है। किन्नर लोग हमेशा खुशियों में नाचते हैं, खुशियों के लिए ही मंदिर बन रहा है सबके लिए, और जितने भी देशवासी हों आज खुश हो जाओ कि मंदिर आप ही लोगों के लिए बन रहा है। अगर कोई भी दुख तकलीफ हो इस मंदिर में आप आ सकते हो, ये मेरा कहना है कि आप लोगों का सब कुछ अच्छा होगा। कामाख्या माता है ही इतनी अच्छी, सबका अच्छा करेंगी। जय जय कामाख्या माता की, जय हो कामाख्या माता की। किन्नर समाज का समाज के कल्याण में सदैव योगदान रहा है, लोगों को आशीर्वाद देना उनकी दिनचर्या में शामिल है। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी कहती हैं कि मंदिर निर्माण तो एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम किन्नरों के लिए ओल्ड एज होम हॉस्टल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।